बहुत धन्यवाद माननीय वासनिक जी आपका। मैं आज आए हुए देश भर के हर कांग्रेस जन और देशवासियों को इस बात से मेरी बात की शुरुआत करना चाहूंगा कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। सवाल आज देश में सबसे बड़ा यह है कि ऐसा देश में क्या हुआ, अच्छे दिन का वादा करने वाले देश में बड़े बड़े वादे करके सत्ता की सीढ़ियों में, सत्ता के गलियारे में पहुंचने वालों ने भारत का यह हाल कर दिया कि आज हमको भारत बचाओ रैली करने की जरूरत पड़ी। सबसे बड़ा इस देश के साथ अगर कोई धोखा हुआ है तो वो ये हुआ है कि वो कहते थे कि हम महंगाई हटाएंगे, हम किसान को दो गुना दाम देंगे, हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, हम युवाओं को रोजगार देंगे, हम सीमाओं की सुरक्षा करेंगे, देश में शांति बनाएंगे। आज माहौल कुछ ऐसा है कि बच्ची घर से निकलने से पहले माँ बाप को डर होता है कि मेरी बेटी रात को वापस सुरक्षित आएगी या नहीं आएगी। हर किसान ये सोचता है कि मैं कुछ पैदा तो करूं अपने खेत में, पर मेरी पैदाश का दाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं जो कर्जा लेता हूं वो कर्जा चुका पाऊंगा या नहीं चुका पाऊंगा। जो युवा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लाखों रुपया, क्योंकि इन्होंने शिक्षा का बाजार बना के रखा हुआ है, लाखों रुपया खर्च करके जो शिक्षा लेता है, उस युवा को और उसके माँ बाप को यह नहीं पता है कि मेरे बेटे को और मेरी बेटी को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि यह पूरा का पूरा मोदी और शाह का एक तानाशाह सरकार रोजगार को छीनने का पूरा षड्यंत्र के रूप में एक के बाद इस देश के एक के बाद एक देश के हर संसाधन को, वो चाहे हमारे IIT हो, चाहे IIM हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे विमान घर हो, चाहे हमारे जो भी पब्लिक सेक्टर हो, उसको एक के बाद एक बेचकर अपने उद्योगपति दोस्तों के हाथ में देना शुरू कर दिया। पहले तो वो कहते थे कि इस देश की धरती पर हम किसी का हाथ नहीं पड़ने देंगे, पर क्या हुआ मोदी जी, आपने तो अपने ही उद्योगपतियों को इस देश का जमीन बेचकर और परदेशियों को, खास करके मैं जब गुजरात से आता हूं तो मैं गुजरात में भी देखा हूं कि वो जब निकलते थे किसान रैली में बात करते थे कि किसानों आप एक बीघा जमीन भी नहीं बेचिएगा, आने वाला समय सुनहरी आने वाला है। फिर बाद में पता चला ये धोखा है, क्योंकि ये मोदी जी और शाह जी ने मिलकर पूरे के पूरे गांव के